ध्यान रखना कोई आए ना। भीतर बगैर मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश न करे। भगवान शिव आए तो नंदीश्वर ने अपने स्वामी को देख करके और उन्होंने मना नहीं किए और भगवान शिव भीतर आए। पार्वती ये देख करके मन में क्षोभ हो गया। नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर मैंने तुम्हें आदेश की थी कि कोई भी व्यक्ति बगैर आज्ञा के भीतर न आए और तुमने भगवान भोलेनाथ को कैसे आने दिया? नंदीश्वर ने कहा, मां ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनको कैसे मना करता? मैं इनको मना नहीं कर सकता। तब पार्वती को अपने सहेलियों की बात याद आ गई, जो सहेली ने कही थी कि तुम्हें अपना एक निज सेवा के लिए एक व्यक्ति को रखना चाहिए जो तुम्हारे हर आदेश का पालन करे। तुरंत पार्वती जी ने जो उपटन लगाई थी तो उसका जो शरीर का मैल निकला था उस मैल से एक पुतला बना। अब पुतले में प्राण का आधान किया, वो पुतला जीवित हो गया। अब उस पुतले से जब जीवित हो गया तो पार्वती ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया और तू मेरा पुत्र है, मेरी आदेश है मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, तुम दरवाजे पे चौकीदारी करो, कोई भी व्यक्ति आए उसको भीतर प्रवेश नहीं करने देना। माताजी जैसी आई गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर शुभ
Yeah.
माता जी ने आज्ञा दी, अरु बालक दरवाजे पर बैठ गया, खड़ा हो गया पहरेदारी देने। भगवान शिव बाहर से आए, भीतर जाने लगे। आप भीतर नहीं जा सकते हैं, क्यों? ये घर मेरा, वो बात सब ठीक है, घर आपका है, लेकिन माता जी का आदेश है कि जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक कोई भी भीतर किसी का भी प्रवेश नहीं है। अरे भैया, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं पार्वती का पति भोलेनाथ शिव शंकर हूं, वो सब बात ठीक है। आप उनके पति भोलेनाथ हैं, शंकर हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। बाबा ने बड़ा दलील दिया कि तू मुझे नहीं पहचानता। गणेश जी ने कहा जो किसी में पहचानने ना पहचानने की कोई बात नहीं, माता जी का आदेश बस। इसलिए आप भीतर नहीं जा सकते। अब रुद्रगण आए, रे तुम्हें को नहीं पहचानता, ये कौन है? ये घर के मालिक है, मालिक हम लोगों के स्वामी। गणेश जी ने कहा कुछ भी हो, तेरे स्वामी हो चाहे घर के मालिक हो, भीतर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। माता जी का आदेश नहीं है, माता जी आदेश स्नान कर लेगी, जब आदेश करेगी तब आप भीतर जा सकते। अब वाद विवाद
शिव गणों में छिड़ गई। शिवगण ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरी को बताता हूं। अब फरसा लेकर के गणेश जी पर टूट पड़े। अब गणेश जी भी कमजोर थोड़ी थे, उन्होंने भी दोनों का भयंकर युद्ध हो गया। भगवान शिव ने देखा और भगवान शिव देखते ही क्रोध आ गया भगवान शिव को कि देखो छोटा सा बालक मेरे ही घर में मेरे अधिकार को छीन ला, करा भीतर नहीं जा सकते। और हमारे गणों ने जब समझाने की चेष्टा की तो उसे भी मारने लगा। बड़ा क्रोध आया भगवान शिव को और तुरंत फरसा से उस बालक का सिर धर से अलग कर दिया। वो बालक जमीन पे गिर पड़ा। भगवती पार्वती स्नान करके बाहर निकली, आवाज दी गणेश को तो आवाज नहीं आया। बाहर जाकर के देखी अरे वो तो फर्श पे सिर अलग और धर अलग। अब तो पार्वती जी रोने पीटने लगे, हाय मेरे बेटे को मार दिया, ये तुमने क्या किया भगवान शिव से, अब इसे जीवित करो तभी मैं घर में रहूंगी, नहीं तो मैं भी अपने पुत्र के साथ साथ प्राण को त्याग। अब भगवान वह शंकर बड़े संकट में, क्या करें? तब भगवान विष्णु के हाथी का सिर लेकर के आए और फिर उस बालक के सिर पे धर पे उसको जोड़ा और फिर जीवित किया। बोल गणपति महाराज की, गणेश जी महाराज की। भगवान उनका सिर जोड़ करके उन्हें जीवित की। हे नारद, पार्वती जी का क्रोध फिर भी शांत न, तब समस्त देवता आए और समस्त देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया। ये अजर अमर होगा, गज का मस्तक सिंदूरी है इसलिए जो कोई भी, माता जी आशीर्वाद दे रही हैं अपने पुत्र को, जो कोई भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होंगे, उसके समस्त विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है
सृष्टि में कोई भी शुभ कर्म होगा सबसे पहले पूजा इसी की होगी। जब तक इसकी पूजा नहीं होगी तब तक समस्त पूजा निष्फल रहेगा। देवताओं ने किसी ने फरसा दी, किसी ने माला दी, किसी ने धनुष दिया, भगवान गजानन का ऐश्वर्य बढ़ने लगा, गौरव बढ़ने लगे, गणेश चौथ को भाद्र मास का शुक्ल पक्ष जो कोई भी इसका व्रत रखते हैं कहते हैं कि उस दिन भागवत में भी एक कथा आती है कि एक बार भगवान गणेश अपने सवारी चूहे के ऊपर बैठ करके कहीं जा रहे थे तो गणेश जी का शरीर तो भारी है, चूहा छोटा सा। चंद्रमा ने देखा और देखते ही हंसने लगा। ओ हंसने लगे, अब जब हंसने लगे तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो ये दुष्ट मुझे देख करके हंस रहा, श्राप दे दिया। आज के बाद जो कोई भी चतुर्थी को जो कोई भी तेरा दर्शन करेगा शुक्ल पक्ष में उसको मिथ्या ही दोष लगेंगे। अब तो देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने कहा महाराज ये आपने क्या किया, आपने श्राप दे दिया, तब चंद्रमा का दर्शन कोई करेगा ही नहीं। बहुत प्रार्थना की तब भगवान गणपति ने कहा जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन का चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लग जाए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवती पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा का उदय हुआ है और उसी समय भगवान
गणपति का जन्म हुआ है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, जो कोई भी इस दिन भगवान गणपति का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, वैसे तो नित्य भगवान गणपति का, क्योंकि विघ्न हरता है ना, ये समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं। गजाननम भूत गणादिशीपितम कपीथ जंबो फल चारु भक्षण उमाशुदम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। तो भगवान समस्त विघ्नों को हरता है, सकल अमंगल मूल निकंद, अमंगलों को नाश करने वाले हैं। मंगल प्रदान करने वाले, सुख समृद्धि देने वाले, इसलिए भगवान गणपति की को देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। एक रोज दोनों भाई बैठे थे, भगवती पार्वती भी बैठी थी, भगवान भोलेनाथ भी बैठे थे। एक बात आप समझें, भगवान शिव का अद्भुत दरबार है, अद्भुत। भगवान शिव जैसा परिवार किसी का नहीं, लेकिन ऐसे परिवार में भी जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जा सुमति नहीं, सुमति है।
कितनी सुमति है, परस्पर कितना प्यार है, सौहार्द है। भगवान भोलेनाथ की सवारी और माताजी की सवारी, भोलेनाथ का बैल और माताजी का शेर, एक दूसरे का दुश्मन। लेकिन यहां देखो एक साथ बैठे हैं, एक तरफ बैल है और दूसरी तरफ शेर है। कार्तिकेय जी का वाहन मोर और भगवान शिव के गले में सर्प नाग, मोर का और सर्प का कितना बैर है, एक दूसरे को देख नहीं सकते लेकिन आमने सामने बैठे हैं। भगवान गणपति के वाहन चूहा और गले में सर्प, चूहा और सर्प का कितना बैर है। लेकिन कितनी क्षमता, एक साथ रहते हैं, परस्पर प्यार सौहार्द कितना है। मेरे भाई बहन, ये थी विषमता नहीं है, समता, द्वेष नहीं है, प्रेम है। आज हम दो भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते, अगर रह भी लिए तो एक साथ बैठ करके एक रसोई में भोजन नहीं बन सकता, और अगर बन भी गया तो एक थाली में हम खा नहीं सकते। परिवार परिवार एक तिनके की तरह, मेरे भाई तिनके की तरह, प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे। तुम सोचो हमें तो दूसरा व्यक्ति प्रेम करे और तुम प्रेम दो ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। प्रेम लेना है तो प्रेम दो, जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें चाहिए वो दूसरे को देना शुरू करो, तुम्हें ऑटोमेटिक मिलने लगे। तुम तो चाहते हो कि हमसे प्रेम करें, प्रेम से बोलें, हमारा सम्मान करें, और तुम प्रेम से बोलो नहीं, दूसरे का अपमान करो, तो तुमसे कौन प्रेम करेगा मेरे भाई। मेरे भाई, जो तुम्हें चाहिए वो देना शुरू करो, तुम ऑटोमेटिक मिलता है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में कितनी क्षमता है, विषमता नहीं है, समता। शेर भी बैठा है, बैल भी बैठा है,
चूहा भी बैठा सर्प भी बैठा। मोर भी बैठा है सर्प भी बैठा है। भगवान शिव के दरबार से परिवार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा परिवार तो एक बार सब बैठे हुए हैं, भगवती पार्वती कहने लगी बाबा भोलेनाथ अब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो अब इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। मैया कैसे? बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, सबसे पहले विवाह उसकी होगी जो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगा करके सबसे पहले आ जाए। कार्तिकेय जी कहे ठीक, मोर पे बैठे और उड़ लिए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए। माता जी ने गणेश जी से कहा बेटा तू भी परिक्रमा लगाया? तो गणेश जी उठे, शिव पार्वती बैठे थे, उनके चार परिक्रमा लगाई और बैठे। पार्वती जी ने कहा बेटा मैं तेरी से कह रही हूं, तेरा भाई गया है पृथ्वी का परिक्रमा लगाने के लिए, तू भी चला जा, तू भी परिक्रमा लगा के आ। गणेश जी ने कहा माता जी मैंने तो परिक्रमा लगा ली, परिक्रमा लगा ली, अरे कब लगा? तू तो तब से यही बैठा हुआ है। इसीलिए कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता देव रूप है, जो माता पिता की सेवा में मन से करता है, एक बार भगवान की सेवा न करे तो चलेगा, लेकिन माता पिता के सेवा नहीं अनादर करता आदर नहीं करता तो उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते। आप लोगों ने भक्त पुंडरी की कथा अनेकों बार श्रवण की, भक्त पुंडरीक माता पिता के सेवा में लगे हैं, वही पुंडरीक। जिनको भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आए विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, 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 विठल विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला
विठ्ठल विठ्ठला चांडू रंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला चांडू रंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला चांडू रंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला चांडू रंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला चांडू रंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग Hey, hey, hey.
तो भक्त पुंडरीक अपनी माता पिता की सेवा कर रहे थे। माता पिता सो रहे हैं, वो चरण दबा रहे। भगवान नारायण आए, सामने खड़े हो गए। जब सामने खड़े हो गए, लेकिन उस सेवा में लगे माता पिता के चरण दबाने, भगवान की तरफ देख नहीं रहे। भगवान ने कहा, अच्छा भगत है, मैं इसको दर्शन देने के लिए आया हूं, और ये है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। भगवान ने अपने पैरों की पायजेब बजाई, फिर भी नहीं देखी। भगवान ने फिर अपने हाथों के कंगन बजाए। पुंडरीक ने देखा, ये बार बार विघ्न डाला, तो एक ईंट उठाए, पीछे करके हाथ फेंक दिए, किस पे खड़े हो जाओ, और जब तक माता पिता मेरी सो नहीं जाएंगे तब तक मैं आने वाला नहीं। भगवान उस ईंट के ऊपर कमर पे यों हाथ रखकर, विट्ठल नाथ का दर्शन करने जाओ तो भगवान विट्ठल ऐसे ही कमर पे हाथ रख करके खड़े हैं। ईंट को महाराष्ट्र भाषा में कहते ईंट। तो भगवान पांडुरंग ऐसे कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए। जब माता पिता सो गए तब आकर के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, क्या करूं, माता पिता सो रहे थे, आप बार बार पायजेब बजा रहे थे, कभी कंगन बजा रहे थे, अगर मैं छोड़ करके आ जाता तो जाग जाते, उनकी निद्रा खराब हो जाती, इसलिए मैं नहीं आ सका, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा, पुंडरीक मेरे बेटे, यही मातृभक्ति पितृभक्ति से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया। तुम माता पिता की सेवा सर्वोपरि, लेकिन आज का माता पिता की जो सेवा करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बल दुर्गा माता की।
Oh,
रंग